आपको हाल ही के जबलपुर का विषय तो पता ही होगा, जहां पर विषय पीसी सिंह द्वारा लगभग 10 करोड़ से ज्यादा रुपए का गबन किया, उस पैसे से लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा था। इस मामले में ना कि सिर्फ पीसी सिंह बल्कि विषय पीसी सिंह का लड़का, पीसी सिंह की पत्नी और पीसी सिंह स्वयं संलिप्त थे। विषय पीसी सिंह के लड़के को जेल भेज दिया गया है, साथ ही विषय पीसी सिंह की पत्नी अभी आश्वस्त है, जैसे ही वो स्वस्थ होंगी उन्हें भी जेल भेज दिया जाएगा। साथ ही विषय पीसी सिंह भी अभी हिरासत में है। तीनों से जांच चल रही है, बातचीत चल रही है, पूछताछ चल रही है। अब हम खबरिया को आगे बढ़ाएंगे और इसी विषय से लेकर हमारी एक खबर आज के खबरिया में है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आयुध की इस खास पेशकश खबरिया में आज हम आपको बताएंगे कि ईसाई धर्मांतरण करने के लिए कहां से लाते हैं पैसा, खुल गया है राज। इसी के साथ आखिर कैसे बिना आंसुओं के रोए मध्य प्रदेश शासन के एसडीएम साहब, और आखिर में भारत जोड़ो यात्रा आने से पहले ही मध्य प्रदेश में क्यों हो रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर फूट। आप सभी ये बार बार सोचते होंगे कि ईसाई मिशनरी गरीबों की कितनी सेवा करते हैं, उन्हें पढ़ाना, उनके भोजन की चिंता, उनके स्वास्थ्य की चिंता, इन सेवा में पैसा ही बहुत लगता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सारा पैसा आता कहाँ से है और इस पैसे को खर्च करके सेवा के नाम पर लोगों का धर्मांतरण कराया जाता है। ये आज हम आपको बताएंगे कि सेवा का पैसा आता कहां से है। गुरुवार के दिन मध्य प्रदेश में ईओडब्ल्यू की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई की है द एवेंजेलिकल लूथरन चर्च पर, जो कि छिंदवाड़ा और भोपाल में स्थित है। लगभग 48 दलीय ईओडब्ल्यू की टीम ने भोपाल और छिंदवाड़ा के ठिकानों पर जाकर धावा बोला है। असल में संस्थान के अधीन चलने वाले शैक्षणिक संस्थान और सामाजिक संस्थान, जहां पर शिक्षा दी जाती है और जिन संस्थानों के माध्यम से ये सेवा कार्य करते हैं, लगभग 126 लोग जो कि 2010 से लेके अभी तक रिटायर्ड हुए हैं, उनकी भविष्य निधि जिसे पीएफ और ईपीएफ कहते हैं, उनके पैसे के गबन का आरोप लगाया गया है। गुरुवार की सुबह भोपाल और छिंदवाड़ा के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू की टीम ने धावा बोला, जिसके बाद उस संस्था के काले, पीले, लाल, नीले कागज सामने आए। उन कागजातों में लगभग 5 करोड़ रुपए के गबन की संभावना जताई जा रही है। जांच अभी लगातार चल रही है और ये भी बताया जा रहा है कि अभी जांच बाकी है और भी गबन सामने आ सकता है। इससे पहले भी भोपाल और बैतूल में लगातार शिकायतें की जा रही थी, इस प्रकार की अनियमितताएं सामने आ रही थी, जिसके बाद छिंदवाड़ा में इस संस्था के अध्यक्ष सुरेंद्र सुक्का, सचिव नितिन सहाय और एसपी दिलराज, जो कि छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं। तो वहीं राजधानी भोपाल में विषव अनिल मार्टिन के घर पर ईओडब्ल्यू ने छापामार कार्रवाई की है। देखिए, ये शिकायतकर्ता जो है, ये चर्च के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक्सकम्युनिकेट किए गए, निकाले गए हैं, यहाँ ही नहीं, सदस्य ही नहीं है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो पद का और दूसरी बातों का दुरुपयोग करना चाहते हैं। अनुशासनहीनता के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाइयाँ की गई हैं। वो लगातार हर स्थान पर, ईओडब्ल्यू हो चाहे क्राइम ब्रांच हो चाहे ईडी हो, हर जगह वो शिकायत पर शिकायत करे, यहाँ तक कि वो हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट पर उन्होंने 22 बिंदुओं पर हमारे ऊपर आरोप लगाया। विषव अनिल मार्टिन भोपाल के सेंट जॉस स्कूल में प्रबंधक हैं। अब जरा देखिए, शिक्षा और सेवा के नाम पर लोगों के पैसे का गबन किया जाता है और उस पैसे को धर्मांतरण के लिए उपयोग किया जाता है। इससे पहले विषव पीसी सिंह ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था, जो कि अब विषव अनिल मार्टिन और उनके साथियों द्वारा किया जा रहा है। लगातार मध्य प्रदेश में धर्मांतरण कराया जा रहा है ईसाई मिशनरी सेवा और शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर भोले भाले लोगों का धर्मांतरण कर रहे हैं। हाल फिलहाल में खबरों में दो वीडियो बड़े वायरल हो रहे हैं। पहले इन दोनों
वीडियोस को देखिएगा। ये भाई साहब पहले अपनी बंदूक से उड़ा देने की धमकी देते हैं और जब कलेक्टर साहब इन्हें कारण बताओ नोटिस भेजते हैं तो वो रोने लगते हैं, मतलब रोने की कोशिश करते हैं। आप जरा इस वीडियो को गौर से देखिएगा तो साहब के आंसू नहीं आ रहे हैं, बस रोने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं आंखों में से आंसू झलक आए। ये है मध्य प्रदेश के व्यावरा में पदस्थ SDM संजय उपाध्याय, जो कि मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में, कस्बों में, ब्लॉक में, तहसीलों में पदस्थ रह चुके हैं। लोगों के इनके रिकॉर्ड का भी पता है क्योंकि लगातार साहब सुर्खियों में रहते हैं। इस समय ये रोते रोते आरोप लगा रहे हैं कि मैं इस समय मानसिक रूप से परेशान हूं, मेरी बेटी के पति का किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर है। जब ये मामला बढ़ा तो मैंने उस लड़की से ये कह दिया, गुस्से में कह दिया कि मैं तुम्हें अपनी पर्सनल रिवॉल्वर से शूट कर दूंगा। और ये वीडियो 2020 का बताया जा रहा है जो कि अभी इस समय काफी वायरल हो रहा है। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ इसके बाद राजगढ़ कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने संजय उपाध्याय को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, जिसके बाद सुनियोजित तरीके से संजय उपाध्याय रोते नजर आए, अपनी व्यथा सुनाते नजर आए। वो रोने की कोशिश कर रहे हैं, मैं एक बार फिर से कहूंगा, लेकिन आंखों में आंसू नहीं आ रहे। वर्तमान SDM संजय उपाध्याय काफी सुर्खियों में रहते हैं। आज से लगभग 2 दशक पहले रायसेन जिले के सांची में एक किसान से 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए आप पकड़ाए थे, जब उस समय आप नायब तहसीलदार थे। जिसके बाद 2018-19 में इनके लड़की की पत्नी, मतलब संजय उपाध्याय की बहू ने इनके ऊपर दहेज प्रताड़ना का मामला भी दर्ज कराया था, जिसमें बहू ने साफ तौर पर कहा था कि मेरे ससुर द्वारा मुझसे 50 लाख रुपए की मांग की जा रही है। और अब संजय उपाध्याय इस प्रकार से रोते नजर आ रहे हैं कि मेरी बच्ची को उसका पति परेशान कर रहा है। अगर प्रदेश में इस प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी पदस्थ रहेंगे तो देश का बहुत कुछ भला नहीं हो पाएगा। और अब आते हैं राजनीतिक खबर पर। इस समय कांग्रेस पार्टी की पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा अभी महाराष्ट्र में है और 20 तारीख से मध्य प्रदेश में भी प्रवेश करेगी। लेकिन एक तरफ राहुल भैया भारत जोड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं तो वहीं मध्य प्रदेश के ही अंदर कांग्रेस पार्टी के ही विधायक, वो भी एक ही जिले के विधायक, आपस में तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं लेकिन वहीं कांग्रेस में फूट दिखती फूट होती नजर आ रही है। मामला अनूपपुर जिले का है, जहां अनूपपुर जिले की विधानसभा कोतमा से विधायक सुनील सराफ और पुष्पगढ़ से विधायक फंदेलाल सिंह मार को अपनी अलग अलग भारत जोड़ो यात्रा निकालते नजर आए। जिसके बाद सुनील सराफ ने कहा ये जो दूसरी भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है वो भाजपा के टुकड़ों पर पलने वाले नेता निकाल रहे हैं। जिसके बाद मार्को ने बड़े शांत शब्दों में कहा कि शायद सुनील भैया ने इन सारे शब्दों को बड़ी गुस्सा में कहा होगा। दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों से इस भारत जोड़ो यात्रा को निकाला और अपने अपने क्षेत्र में इस यात्रा को संपन्न करेंगे। नियम ये था कि जिले में सिर्फ एक यात्रा निकलनी चाहिए, जिसके बाद वो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में मिल जाएगी। अब देखना यह है कि चुनाव नजदीक हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल तो रहे हैं लेकिन उसका कोई प्रभाव होता है
या फिर ऐसे ही कांग्रेस पार्टी में फूट नजर आएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और खबरिया को देखते रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, साथ ही हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, ट्विटर पर भी हैं, फेसबुक पर भी हैं। आप वहां हमें लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।